फफूंदों के लिए लास्ट इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक दूसरे की समाज को लड़वाना बंद करें। और वो जानवर जो किसी होटल के ढाबे के आड़ में बैठ करके भौंक रहा है, तुझे भी मैं अब्दू ने कहा था कि आके दिखाना, मैं 6 तारीख के बाद कभी भी तेरे पास पहुंच सकता हूं, कभी भी 6 तारीख के बाद, कसम मेरे इस बच्चे की, ये बैठा पास में, ये तेरे से कम नहीं है, कभी भी तेरे पास आ सकता हूं, कहां पर जहां तुझे FIR करवानी है करवा ले। बहुत झूठ बोल लिया नौटंकी साले, अगर मेरी बात सुन रहा है तो मेरी आंखों में देख, मेरे बच्चों की छुट्टियां खत्म हो गई है, वापस इनको घर पे शिफ्ट कर रहा हूँ, 5 तारीख से पहले पहले 2-3 काम निपटा रहा हूँ, भाग जा जानवर, या तो माफी मांग ले समाज से और मेरी माँ से और उन सैकड़ों युवाओं से जिसको तूने गाली दिलवाई है, और नहीं भागा, कसम राजेश्वर भगवान की और मेरे 4 बच्चों की, पहुंच रहा हूं उसी क्षत्रिया के ढाबे पे, उसी क्षत्रिया के ढाबे पे पहुंच रहा हूं, और क्षत्रिया भी अगर ये मेरी लाइव देख रहा है, गाली मत बक, फेसबुक पे कहीं पर भी तेरी माँ का स्तनपान किया है, वहीं पर रुकना और वहीं पर आकर के सबक सिखाऊंगा 6 तारीख के बाद कभी भी। बहुत हो गई तारीखें, बहुत हो गई गालियां, बहुत हो गई वादे कसमे, एक तू गंदे बाल के बराबर जानवर, तेरी कोई औकात नहीं, और बच्चों को भड़काता है, और तू कहता है 5 लाख लोग मुझे देखते हैं, तू सनातनी है ही नहीं, तू हिंदू है ही नहीं, तेरी सारी रिकॉर्डिंगें बाहर निकालता हूँ, तेरे सारे एविडेंस प्रूफ, किन किन बच्चियों के साथ तूने काला मुंह किया है, वो सब प्रूफ मेरे पास है, मैं चाहूँ तो इसी लाइव में दिखाऊं कि जानवर तूने कितनों का घर उजाड़े, तूने बिल्कुल जातिवाद का जहर घोल रहे हैं ये सनातनियों के बीच में, और हिंदू राजेंद्र सिंह राजपुरोहित, मैं कसम खाता हूँ राजेश्वर भगवान की, आज तक किसी समाज के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं की, मुझे जरूरत भी नहीं है समाज के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने की, पर ऐसा भड़वा फर्जी ID बना बना के कम से कम 20-20 रिपोर्ट करवाता है मेरे इस फेसबुक को, उसके पास कितनी फर्जी आईडिया है आपको मैं बताऊंगा, लाइव लेकर के टांगे तोड़ते हुए लाइव आऊंगा, और वो खुद भौंकेगा, हाँ नेमाराम जी मैंने फर्जी आईडी बनाई राजपुरोहित समाज की और चौधरी समाज को गाली दी, और चौधरी समाज की आईडी बना के राजपुरोहित समाज को गाली दी, उस फर्जी ढक्कन को सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित उर्फ SS टाइगर उर्फ महामादर चोद हरामी जानवर, उस कुत्ते ने लड़ाए हमारे राजपुरोहित भाइयों को, और हमको नीचे देखना पड़ता है ऐसे भड़वे की वजह से, और एक और ढोंगी जिसके पास भी कई आइडिया हैं, वो आइडिया का भी हम तोड़ निकाल लेंगे, उन आइडियो का भी हम तोड़ निकाल लेंगे, लोग कहते हैं आप सबसे तोड़ते हो, मैं कहता हूं मैं उन सब भड़वों के खिलाफ हूं जो लूट मार करते हैं, जो दूसरे के पैसों पे अय्याशी करते हैं, कहां गए तेरे मिशन, कहां गए तूने तेरे चाहने वाले वो टपोरी, कहां गए तेरे गुंडे, राम के जाए हमारे काम में टांग मत अड़ा, हम धरातल स्तर पर काम करने वाले हैं, हिंदू हमारा नाम है, और हम जानते हैं कि सनातन धर्म के अंदर, हमारी औकात के अंदर, हमारी गिरेबा के अंदर रह करके हम काम करते हैं। अशोक जी नुवन प्रणाम, बधाई हो, हमारी सरकार आ गई, यानी कि आपकी हमारी सबकी, और ऐसे वो जो जाट भाई को जेहद दी तूने लिखा था अनिल जाखड़ को, तूने उस बच्ची का मामला रफा दफा किया तेरे फेसबुक से, तेरे उस पेज से तूने सब कुछ उड़वाया जानबूझ के, और दूसरा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता है, जनावर तेरे दिन भर गए, तूने उस समय FIR झूठी दर्ज करवाई, अब ये छच में FIR दर्ज करवा ले कि तेरा बाप नेमाराम हिंदू तुझे चबा देगा। मैं चुप था कि कब स्कूलें खुले, बच्चों को कब शिफ्ट करवाऊं और वापस जो है एडमिशन करवाऊं, ये मेरी मजबूरी थी, मैं ग्रस्ती हूं तेरे जैसा नहीं हूं, आज चार चार जगह काम में गया हूं, तेरे जैसा भड़वा एक नंबर का फ्री आदमी नहीं हूं मैं, मेरे पास ग्रस्ती धर्म है, मेरे पास मेरे माँ बाप के सेवा करने का मुझे मौका मिला है, मेरे पास मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी समाज मुझसे उम्मीद और उपेक्षा रखती है, मेरी समाज के युवाओं का लगाव है मेरी तरफ, मैं सबकी भावनाओं को समझता हूँ।
सुनील ढाका डोली, जय श्री राम। मैं सबकी भावनाओं को समझता हूँ। मेरे अच्छे अच्छे भाई हैं जो मुझे दूसरों के फोन पे कमेंट करके बोलते हैं, भाई साहब को बोलो कि शांति रखें, पर तेरे जैसे जब जानवर घुस जाते हैं सनातन धर्म के अंदर, अरे मुझे पता है तुझे फंडिंग कहां से होती है। जेहादी तू जाट के बच्चे को बोला, पर जेहादी तू है ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। 6 तारीख के बाद जहां भागना है भाग ले, हिंदुस्तान के कोई भी कोने में, बाई रोड मैं आऊंगा तेरे पास और विथ टीम आऊंगा और उनको बोलूंगा तुम लोग खड़े रहो पास में। और ये बोलता है ना कि आजा नेमाराम हिंदू, तू एक हाथ का भी नहीं है मेरे। अरे बटले, तूने समाज के लड़कों को इतना बिगाड़ दिया कि वो अब समाज को, एक दूसरी समाज को गालियां देने लग गए। भड़वे तेरे दिल लद गए। अगर तेरी माँ का दूध भी आए और असल बाप की औलाद है तो कल मैं जा रहा हूँ, कल गुड़ा माला नहीं जा रहा हूँ। तू बोलता है ना मेरे पास फलाना CRF है, GRCF कमांडो है। अरे लवड़े पे गए तेरे कमांडो ने भवांडो, कल भेज वहां पर, मेरे सामने आ और मेरे से बातचीत करवा। अरे फेसबुक ये हीरो साले 2% के तेरी इज्जत नहीं कर भी कहीं पर भी, और चला तूने एक दूसरे को लड़वाई करने। मत लड़वा, माफी मांग ले, 6 तारीख तक तेरे पास समय है। मारा जाएगा कुत्ते की मौत और रोड पर ला करके घसीट घसीट के तेरे पैर तोड़ूंगा। तुझे जो FIR करवानी है, जहां भी करवानी है जा करवा। अरे मेरी समाज को तू समझता क्या है, मेरी समाज को तूने गालियां दिलवाई, एक एक स्क्रीनशॉट है। और तू कैसा व्यक्ति है, तेरी समाज की बच्चियों के साथ खाता पीता है, ये मेरे पास प्रूफ है। नेमाराम हिंदू के पास ये एविडेंस है कि भड़वे तूने, तू तेरी खुद की बीवी को नहीं रख पाया, इसका कारण ये था तू लंगोट का कच्चा था और वो तेरी राह में रोड़ा बन रही थी। तेरी ही उस एक्स वाइफ के पास मैं जाऊंगा, मेरे पास समय ही समय है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तेरा सच। अरे भड़वे हम तुझे बना रहे हैं हीरो इस लाइव में बोल बोल करके, साले तुझे देखते हैं हमारी बदौलत के साला है कौन वो SS टाइगर जानवर, इसीलिए तू हीरो है। अरे घंटा में जाएंगे तेरे 5 लाख 6 लाख देखने वाले। साले फर्जीवाड़ा करता है, एक एक ग्रुप में 50-50 हेयरिंग लगाता है, हिजड़े साले। अरे तेरे से अच्छे तो वो हिजड़े हैं, कम से कम ताली बजा करके हिजड़े होते हुए भी वो मर्दानगी की तरह कमा के खाते हैं, और तू तो भड़वे मांग मांग के खाता है, कभी किसी को गाली देता है, कभी किसी को गाली देता है। तेरे का सारे काले कारनामे हमारे पास हैं। मैं गुजरात क्राइम ब्रांच, लोकल क्राइम ब्रांच में तेरे काले कारनामे दे 6 तारीख के बाद तेरे देने वाले हूँ, और गुजरात पुलिस को तेरे काले कारनामे मैं दे चुका हूँ। तुझे कुत्ते की मौत लपेटूंगा। नेमाराम हिंदू से आज तक जिसने पर्सनल पंगा लिए, तू देख उनका हश्र क्या हुआ। मैं मेरे सच्चे परम मित्र का कमेंट पढ़ लेता हूँ। राजेंद्र सिंह राजपुरोहित लिख रहे हैं, सभी हिंदू भाइयों से मेरा एक निवेदन है, यदि दो किसी भी अलग अलग जाति से हो और आपसी मतभेद हो तो आपस में बैठकर बातचीत करो। जाओ मेरे भाई, मैं जवाब देता हूँ इस जानवर के, मैंने बहुत कोशिश की। क्यों बिना मतलब के, तेरे बाप से परमिशन नहीं लूंगा गांडू, यहां से भाग। राजेंद्र सिंह राजपुरोहित मेरे परम भाई, मैं आपको बता देता हूं, कि इस जानवर ने बहुत लुका छुपी का खेल खेल दिया। इसको आते आते, यानी कि ये अपने गांव से रवाना हुआ, ये गांव से आओर से जोधपुर तक नहीं आ पाया। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सारे एविडेंस मेरे पास हैं। इसलिए जातिवाद का कोई यहाँ पर तमगा नहीं है। मैं दोनों समाज के युवाओं से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि किसी के भी ऊपर जातिवाद का कटाक्ष या कमेंट नहीं करें। एक इस हरामी को इसकी जाति में कोई नहीं, कल देखा नहीं, सुरेश सिंह करके, वो सुरेंद्र सिंह या सुरेश सिंह करके लड़का लिख रहा था, उसके पिताजी ने कितनी सभ्यता से बात की और उसके पिताजी ने क्या कहा कि इस चोर की वजह से हमारे समाज लड़ रहे हैं, इस जानवर की वजह से लड़ रहे हैं। उसने ये भी बोला था लाइव में कि इसकी बदौलत मेरे बच्चे ने चोरी की और चोरी के मामले से अभी छुड़वा के लेके आया हूँ। ये है इस कमीने के संस्कार। अरे नेमाराम हिंदू के साथ में जो भी जुड़ा है वो बिल्कुल इसके साथ रहने वाले चोर के संस्कार लेते हैं।
और ने मारा में। किसी एक व्यक्ति का बता देना कि इसने ऐसा गलत कृत्य किया है, मूंछ कटवा लूंगा। कोई नहीं, हाँ समाज के अंदर सब कुछ होता है, कोई गलत कमेंट बिल्कुल। ललिता गुजर, ओ हो हो, दीदी प्रणाम। एक कोई भाई है बीच में कॉल कर रहा है।